Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सीट से सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। लोकसभा के मौजूदा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी अब खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अफजाल अंसारी के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस अपील के चलते अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी है। हाई कोर्ट अब कल मतलब आज यानी कि 3 मई को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इस मामले में मौत के घाट उतारे जा चुके बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने भी अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पहले से अर्जी दाखिल कर रखी है। गौरतलब है कि अगर अफजाल अंसारी को जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और उनकी सजा रद्द नहीं हुई तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है और वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अफजाल अंसारी जिस गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक बनाए गए हैं वहाँ नामांकन जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं वहाँ नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई है। गैंगस्टर मामले में मेरी 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई अभी शुरू नहीं हो सकी है। अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले साल ही याचिका दाखिल की थी। कृष्णानंद राय के परिवार ब्रिटिश सरकार ने 4 साल की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट अपनी मर्जियों पर एक साथ सुनवाई होगी। सुनवाई 3 से 4 कार्य दिवसों में पूरी होने की उम्मीद है। कहा जा सकता है कि अफजाल अंसारी को जल्द ही हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें सजा रद्द नहीं हुई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अफजाल अंसारी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सजा कम होने से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि गैंगस्टर के इस मामले में उन्हें 2 से 18 साल की सजा सुनाई गई है। उसमें अधिकतम 2 साल की सजा होती है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 19 अप्रैल को 2005 में 4 साल की सजा सुनाई थी। 4 साल की सजा की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और सदस्यता निरस्त हो गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दिया था। अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से बाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट मामले को 20 जून तक निस्तारित कर दिया है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है?